अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान नज़ीर फरमान अली आपकी खिदमत में हाजिर तलब पैलेस है। नाजरीन, अब हम यहाँ पहुँचे हैं जोंट पीक बेस कैंप पे। अभी हमने कैंप वगैरह लगाए हैं, जगह भी सेफ है, पानी भी है, कुकिंग भी हो रही है खाना शाने के बाद। अभी मौसम की सूरत हाल देखेंगे, अगर यहाँ पर मौसम ठीक रहता है तो शाम को अभी हम यहाँ से बेस कैंप वन पर जाएँगे। कैंप वन वहाँ पर जो बर्फ़ नज़र आ रही है, ग्लेशियर है, वहाँ से पहाड़ नज़र, उसके बिल्कुल दरमियान कैंप वन है। इसके बाद कैंप टू, कैंप थ्री, फिर आगे जाके ठीक है इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होगी आज शाम तक हम कैंप वन तक पहुँच जाएँ। तो यहाँ का जो रास्ता है उसके बारे में, अच्छा यहाँ का जो मौसम, आज पूरा दिन जोंट पीक के जो मौसम में मुकम्मल मौसम ख़राब थे, बर्फ़बारी भी वक्फे से बर्फ़बारी भी हो रही है। तो हमारे साथ जो हमारे गाइड थे उनसे पूछते हैं यहाँ का रास्ता, किस रास्ते से हमें कैंप वन तक जाना पड़ेगा, उससे आगे का क्या सूरत हाल है, हम सबमिट कर पाएंगे या नहीं। तो पूछते हैं जनाब नासिर हुसैन साहब। तो जी नासिर साहब, हमारे नाजरन को ये बताएं, अभी तो हम बेस कैंप पर पहुँचे हैं, यहाँ से कैंप वन तक का कितना रास्ता होगा, उससे आगे क्या सूरत हाल, मौसम की सूरत हाल से भी आगाह करें। जी वाजिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन वसामीन अस्सलाम वालेकुम, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से आपने मुझे मौका दे दिया। जी बिल्कुल फरमान साहब, हम लोग अभी बिल्कुल जोंट पीक के सामने, बिल्कुल हम लोगों ने बेस कैंप पे ही पहुंचे हैं। अभी हमारा यहाँ पे खाने का निज़ाम होगा, यहाँ पे बिल्कुल चश्मा भी है, सेफ जगह है बिल्कुल ही। तो हमारे दो खास मेहमान हमारे जो है ना अभी खाना पकाने में मशगूल हैं, तो इंशाल्लाह अभी हम यहाँ से ट्रैकिंग करेंगे। फरमान साहब, सुबह तकरीबन हम 5 बजे, तकरीबन कल सुबह 5 बजे हम लोग निकले थे तुरबिलिंग से। तो वहाँ से ट्रैकिंग करते करते हम लोग यहाँ पे अभी बेस कैंप पे तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम हो गया है। तो अभी इंशाल्लाह हम यहाँ से ऊपर ट्रैकिंग करेंगे। रास्ता यहाँ से बिल्कुल ही सेफ है फरमान साहब, ये यहाँ से सामने जो नज़र आ रहा है, यहाँ से हमारा रास्ता है हमारा कैंप वन तक जाने के लिए, तो बिल्कुल ही सेफ है। बाकी जो मौसम की जो बात है सर, यहाँ पर मौसम तो इसी तरह ही रहता है, बाकी कोई इशू नहीं है मौसम का, ना कोई स्लाइडिंग की जगह, कोई स्लाइडिंग का मौसम भी बहुत ही साफ है। अब तक जोंट की कितनी टीम है और तनाव की, अगर किसी ने इसको सर जीती है या ख़राब मौसम की वजह से वापस आए हैं? जी वजीर साहब, इससे पहले हमारी एक टीम गई थी, उनका मैं खुद गाइड था, हमारे साथ कुछ थे तकरीबन 8-10 लड़के थे, उनके साथ हम लोग गए थे। उनको मैंने ऊपर से ले गया था, पीक के ऊपर से, उस साइड से रास्ता, उस साइड से भी हमारा रास्ता है। तो यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई होगी, आप लोगों को थोड़ा सा ट्रैकिंग का मसला होता है, लेकिन उस साइड से जो रास्ता है वो बिल्कुल ही साफ और बिल्कुल ही सेफ रास्ता है। वहाँ से हम लोग गए थे पीक वन तक। चलो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं मौसम साफ हो और हम भी कामयाबी के साथ वापस लौटें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह शाम को हम यहाँ से आगे कैंप वन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आगाह किया।